अरविंद केजरीवाल ऑटो के जरिए पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करेंगे। इस वक्त मुंबई पहुंचे हैं आप, उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। मीरा सान्याल और मीरा पाटेकर उसमें शामिल हैं जिनके लिए वो वोट मांगते मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में दौरा करेंगे। लोकल में भी सफर करेंगे केजरीवाल और समझेंगे लोगों की दिक्कतों को। आप उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते दिखाई पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। 3 दिन में महाराष्ट्र के दौरे कर वो समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों ने कितना विकास को अपनाया और क्या दिक्कतें हैं। रोड शो में ऑटो से शामिल हुए केजरीवाल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां उनका काफिला जा रहा है वहां लोग उन्हें रोक रहे हैं। लोगों के बीच आकर्षण भी है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि जिस अरविंद केजरीवाल ने महज 1 साल के भीतर दिल्ली की 28 सीटों पर कब्जा जमाया है वो महाराष्ट्र में क्या कारनामा करेंगे, उनका जो प्रचार अभियान होगा वो कैसा होगा, और तमाम ऐसे कौतूहल भरे विषयों को लेकर लोग उनके रोड शो को देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। काफिला उनका इस बार ऑटो से निकल पड़ा है। इंद्रजीत सिंह संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, हम देख रहे हैं आगे आगे ऑटो जिसमें अरविंद केजरीवाल और पीछे पीछे उनके साथ जुड़े हुए लोग, फिलहाल उनका काफिला कहाँ पहुंचा है? जी बिल्कुल प्रीति, अभी अंधेरी स्टेशन उनका काफिला पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो मुंबई के लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होती है, और ज्यादातर लोग यहाँ पे ऑटो और लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। इसलिए अपने चुनावी अभियान के पहले दौर में जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने ये दोनों साधन को चुना है, और अभी वो ऑटो अंधेरी स्टेशन पहुंचने वाले हैं और करीब 11-15 की उनकी लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन में वो जो लोकल से लोग सफर करते हैं उनकी दिक्कतों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेनें, और काफी लोग बड़े हादसे भी होते हैं, हजारों लोग हर साल लोकल से गिरकर मरते हैं। तो ये सब सारी समस्याओं का जानना, हालांकि अभी तक केजरीवाल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे महाराष्ट्र में अपनी जमीन तलाश, ये कहना मुश्किल है। 16 सीटों पर केजरीवाल ने उम्मीदवार उतारे हैं। जी इंद्रजीत, आपको और पूरे देश को याद होगा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी तब अरविंद केजरीवाल ने सफर किया था दिल्ली की मेट्रो का, और उन्हें देखने के लिए, उनके साथ सफर करने के लिए लोगों की होड़ सी मच गई थी, और ऐसे में 11:15 पर वो लोकल में सफर करेंगे। लोगों के बीच इस बात को लेकर भी आकर्षण दिख रहा है, हालांकि अभी वो दिल्ली के सीएम नहीं है। लोगों में आकर्षण है लेकिन उतना आकर्षण नहीं है प्रीति जी का की दिल्ली में आकर्षण है। यहाँ पे मीडिया का हुजूम जरूर उनके साथ है, कुछ कार्यकर्ता है, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनका क्रेज चलेगा और धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि आपने देखा था कि जिस तरह से अन्ना हजारे का जब आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में और बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल के बाहर आते थे, पूरा जंतर मंतर भर जाता था, उस समय में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने बांद्रा में रैली किया था तो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, उतनी ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई थी। शायद यही कारण है कि तभी से ये जो अन्ना और जो केजरीवाल के डिफरेंसेस बढ़ने लगे, और महाराष्ट्र में उस तरह का उनका वजूद नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर इतना जरूर है कि उनके जो तीन कैंडिडेट हैं वो फाइट करेंगे, हालांकि जीतेंगे या हारेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अभी तक 16 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन 3 या 4 कैंडिडेट उनके जो लड़ाई में रहेंगे। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ऑटो में सफर करके लोकल तक की दूरी तय कर रहे हैं, फिर लोकल से आगे का सफर तय करेंगे, आगे का कार्यक्रम कैसा रहेगा? रोड शो में उनका सिलसिला, जो काफिला है वो कहाँ कहाँ होते हुए जाएगा? 11:15 की लोकल ट्रेन तय की गई थी कि 11:15 की लोकल ट्रेन पकड़नी है उनको यहाँ से अंधेरी स्टेशन से, जो लगभग 12:05 पर चर्चगेट स्टेशन पर पहुंचेगी, और इसके बाद वहाँ पे उनकी एक इंटरनल मीटिंग है अपने जो लीडर्स है अपने कार्यकर्ता है, उसके बाद प्रीति उनका 3 बजे से 5 बजे तक एक रोड शो है जो कि अगस्त क्रांति मैदान है साउथ मुंबई में, वहां से शुरू हो जाएगा, और वहां पे उनकी जो पार्टी लीडर है या जो कैंडिडेट है वो मीरा सान्याल है, उसके लिए वो वोट मांगेंगे। उसके अलावा मौलाना हसरत महानी चौक बोलते हैं जैसे नागपाड़ा जंक्शन मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पे जाएंगे।